आज की हमारी वीडियो एक सेल्फ हेयरकट वीडियो है। मेरी कुछ व्यूअर्स की डिमांड थी कि एक सेल्फ हेयरकट की भी वीडियो बनाऊं, तो मैंने अपने खुद के बालों पर एक लेयर कट की वीडियो बनाई है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले सारे बालों को आगे लेंगे हम, बिल्कुल अच्छी तरह से कॉम करना है ताकि बालों में कोई टेंकल्स ना रहें। इस तरह से कॉम करके और एक यहाँ पर टाइट रबर बैंड लगाएंगे। लेंथ हम शॉर्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल आधे इंच से, आधा एक इंच से ज़्यादा लेंथ हम शॉर्ट नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से से चेक करेंगे हम, कोई बाल छोटे बड़े ना रहे। नेक्स्ट स्टेप में हम ईयर के पीछे से एक बालों का सेक्शन बनाएंगे कुछ इस तरह से। इन सारे बालों को फ्रंट पर लाएंगे। प्रॉपर बाल सेट नहीं हुए थे इसलिए मैंने डबल से ही किया। देखिए इस तरह से
शोल्डर बेंड्स में यहाँ क्लच करूँगी। अभी लेंथ हम ज़्यादा कट नहीं करेंगे, देखिए इतना ही, आधा इंच, आधे से एक इंच। एक बार चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम आएगा इस हेयरकट से, क्योंकि मेरे बाल बहुत थिन है इसलिए मैंने ये लेयर कट लिया है, इससे बालों में एक थिकनेस आ जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी रहेगी ईयर के आगे से एक पार्ट लेना है हमको, वो हमने ईयर के बैक साइड से लिया था, ये ईयर के फ्रंट से हमको ये वाला सेक्शन उठाना है। अच्छे से टैंगल से पाव लेंगे साथ, इसे भी फ्रंट पर लाएंगे। अच्छी तरह से कॉम करके रबर बैंड लगाएंगे। देखिए ये मेरे पहले से शॉर्ट थे इसलिए निकल चुके बाल, देखिए इसमें से इतनी लेंथ हमको। लास्ट में अब क्राउन एरिया बचा है, क्राउन सेक्शन में हम बाल निकालेंगे। यहाँ से यहाँ जो हमारा आईब्रोज का एंड होता है, यहाँ से एक सेक्शन लेंगे। देखिए इससे रबर बैंड से प्लग कर लिया हमने, अच्छी तरह से कॉम करके। यहाँ से इसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा कट कर रही हूँ, चाहे तो यहाँ पर ट्विस्ट कट करके फेस फ्रेमिंग कट भी कर सकते हैं।
बालों का वॉल्यूम बिल्कुल भी सॉरी लेंथ शॉर्ट नहीं हुई है, बालों में एक वॉल्यूम आ गया है। मेरे बाल बहुत सिल्की और स्ट्रेट है इसलिए मैं कोई हेयर कट दिखता नहीं है। तो आई होप आपको मेरा हेयर कट पसंद आया होगा। थैंक यू।